कमलेश किचन को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी काजू वाले नमकीन, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि काजू वाली नमकीन मार्केट से लेके आते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह शाम की चाय के लिए जो काजू बना रही हूँ, घर पर ही बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं घर में जो बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं नमक लूँगी। नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है, जो अजवाइन खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जब हम मठरी में या नमकीन में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और ये हमारे पाचन क्रिया के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर को हम 2 से 3 पिंच डालेंगे, या फिर आप ऐसा करें 1/4 चम्मच भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने चम्मच का जो पीछा वाला हिस्सा होता है उससे करके डाला है, तो ये 1/4 के करीब ही है जो मैंने यहाँ पर इस बेकिंग सोडा इसमें डाला है। और इसको ये जो हमने ऑयल लिया है, मतलब इसमें मोइन के लिए जो तेल लेंगे हम, मैंने यहाँ पर रिफाइंड यूज किया है। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो ये छोटी कटोरी रिफाइंड लिया है, यहाँ पर 3 से 4 चम्मच इसमें तेल आता है। तो हमने, या तो आप चम्मच से नापें तो 4 चम्मच तेल डाल दें इसमें। और तेल डालने के बाद हम जब इसको आटे को मिलाएंगे ना, तो ये लड्डू की तरह बनना चाहिए। अगर लड्डू की तरह आटा हमारा बनता है तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा तो हम थोड़ा सा तेल इसमें और डाल लेंगे। तो चलिए मिलाते हैं इसे। हमने इसको हाथ से अच्छे से इसमें नमक और जो इसमें सामान डाला है, तेल डाला है, इसको अच्छे से हम पहले मैदे में एकदम से मिला लेंगे, जिससे ये मैदे के अंदर तेल अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से ये मैदे के अंदर तेल था जो अच्छे से मिल चुका है। और यहाँ पर मैं हाथ से अगर लड्डू बनाऊंगी तो ये लड्डू की तरह बनना चाहिए। ये देखिए लड्डू की तरह बन रहा है। तो ये हमारा आटा अच्छे से बन चुका है। अगर हमारा ये लड्डू नहीं बनता है तो हमने थोड़ा सा तेल इसमें और डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास गर्म पानी लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म है, इसे वॉर्म वाटर बोलते हैं। तो वॉर्म वाटर मैंने लिया है। तो इसी से धीरे धीरे करके मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदूंगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीले हो जाएगा और हमारे जो बनाएंगे हम काजू वाले नमक पारे ये अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए मैंने आटा टाइट ही गूंदा है, तो ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदा है, लेकिन पूरी से थोड़ा सा टाइट आटा है ये हमारा। आप देख भी सकते होंगे कि ये आटा मेरा कितना टाइट है। इसको मैं अच्छे से दबा दबा के मल रही हूँ और आप चाहे तो इसे अच्छे से हाथ से ही गूंद लें अच्छे से। जितना ज़्यादा इसको अच्छे से मलेंगे उतनी अच्छी हमारी ये जो नमकीन है ना, मठरी जो बन के तैयार होंगी, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होंगी। तो ये आटा मेरा गूंद चुका है, ये आप देख सकते हैं, ना तो ये ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट, ये पूड़ी के आटे से थोड़ा सा टाइट है। और इसको हम ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए, जिससे हमारा आटा फूल जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है 10 से 15 मिनट के लिए, तो आप इसको हाथ से अच्छे से मिल लें, 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मल लें, तो आटा हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको फिर से निकाल लेती हूँ और एक बार मैं फिर से इसको मल लेती हूँ। तो हम अच्छे से हाथ से इसको मल लेंगे, जिससे हमारे इस आटे में अच्छे से लोच आ जाए। और इस आटे को हम 2 लोइयां बनाएंगे इसमें से, 1 लोई तो हम रख देंगे और 1 लोई की हम रोटी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लोई बनाकर इसको मैं अब रोटी की तरह बेल लूंगी। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको लंबा बेलें या चकोर बेलें या गोल बेलें, क्योंकि इसमें से हमने काजू ही काटने हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल रोटी बेल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें तेल लगाऊंगी जिससे ये चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसको बना रही हूँ,
तो बेलन पे भी मैंने तेल लगा लिया है। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, इतनी मोटी रोटी बनाई है। रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे इसको, क्योंकि हमारे जो काजू होते हैं थोड़े से मोटे ही होते हैं। यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा का ढक्कन लिया है। आपके पास कोई भी ढक्कन हो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पेप्सी का ढक्कन है तो आप उसको भी, उससे भी बना सकते हैं, उससे भी अच्छा कट जाएगा ये। तो पहला पीस हमारा इस तरह से निकलेगा। इसको हम फिर से कटिंग करेंगे तो हमारे ये काजू की शेप में आएंगे। तो इसी तरह से आप ये एक एक करके सारे आटे के काजू बना लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ इनकी शेप कितनी अच्छी आई है। ये देखिए, बिल्कुल काजू की तरह इनकी शेप आई है। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे ये। तो यहाँ पर मैं एक एक कर इसको सारे आटे को इसी तरह से काजू बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये काजू होते हैं, ये सुबह की चाय के या शाम की चाय के साथ, या कोई मेहमान आपके आता है तो उसको भी आप खिलाएंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और जिस तरीके से हम बना रहे हैं, इस तरह से जो काजू बनेंगे तो वो कभी बता ही नहीं सकते कि ये घर पर बने हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा इनका टेक्सचर आता है और खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फालतू आटा बच गया था इसमें नीचे, तो ये जो हमारा आटा था उसी में हम मिला लेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। और ये हमारे काजू बनके तैयार हैं। यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा कुछ ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म है। तो यहाँ पर गैस मैंने बंद किया हुआ है। तो यहाँ मैं एक एक कर सारे काजू डाल दूंगी और गैस मैं बाद में ऑन करूंगी। जब सारे ये जो काजू हैं तेल के ऊपर आ जाएंगे तब मैं गैस ऑन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक एक करके काजू नहीं डालेंगे। अगर काजू हमारे आपस में चिपक भी रहे हैं तो हम इकट्ठा उसमें डाल देंगे और वो काजू तेल में जा कर ना एकदम से ये मतलब अलग अलग हो जाते हैं, ये चिपकते नहीं हैं। हम कोई भी मटरी वगैरह बनाते हैं मैदे की तो वो चिपकती नहीं है, तेल में जाके एकदम से खुल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी डाल दी और ये देखिए यहाँ भी सारा ऊपर आ चुके हैं और मैंने यहाँ गैस ऑन कर ली है। तो इसको हम पहले लो गैस पे करेंगे और फिर जब हमारे काजू ऊपर आ जाएंगे तो हमने मीडियम आंच पर इसको सेक लेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर बहुत ही हल्के हमारे काजू हो चुके हैं, यानी कि ये फूल के दुगने हो चुके हैं और इनको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काजू हमारे ब्राउन हो चुके हैं और इनको हम निकाल ले देंगे। एक मैंने ये बड़ी झाड़ा लिया है, इसके अंदर डाल के इनको निकाल लूँगी। सारा तेल, इसका जो फालतू का जो तेल है वो सारा निकल जाएगा। मैंने छोटी वाली कलछी से इसको निकाल के बड़ी में डाल रही हूँ जिससे हमारा ये एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाना चाहिए। तो ये सारा तेल निकल चुका है और इसे मैं प्लेट में डाल लूँगी और जो हमारे बचे हुए काजू हैं वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ इन काजू को भी मैं इसमें डाल लूँगी। यहाँ पर मैंने गैस एकदम से स्लो कर चुकी हूँ क्योंकि स्लो गैस पर ही हमारे काजू अच्छे से बनेंगे और जब ये फूल जाएंगे तो हमने मीडियम आंच कर देनी है गैस की। अगर हमने पहले ही तेज़ गैस कर दी तो ये हमारे काजू फूल के ऊपर नहीं आएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमारे काजू ऊपर आ चुके हैं और मैं थोड़ा सा गैस को मीडियम कर दूँगी। हमारे यहाँ पर ये काजू भी हल्के ब्राउन हो चुके हैं और इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो बचे हुए काजू, आटे के काजू थे वो भी हमने डाल लिए हैं, लास्ट में थोड़े ही बचे हैं तो इन्हें भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी हल्के ब्राउन हो चुके हैं तो हम गैस कर देंगे बंद और इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और अच्छे से तेल इसका निकालने के बाद हम एक बर्तन में डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे हमारे काजू बनके तैयार हुए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं।
तो यहाँ पर मैं इसमें रंग देने के लिए एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे इसका रंग बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे मार्केट में जब काजू हम लेने जाते हैं वो बिल्कुल होते हैं ना एकदम से लाल लाल वाले, और मसाला अच्छे से मिला होता है उनमें। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच ली है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर। और आप चाहें तो लाल मिर्च इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया है, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है और हम चाट मसाला लेंगे तो उसमें भी नमक होगा, तो हम थोड़ा सा नमक कम डालेंगे। तो यहाँ चाट मसाला भी मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया है इसमें, और इसको हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे सारा मसाला। बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये काजू बनके तैयार हुए हैं। तो इन्हें मैं एक बर्तन में अलग से निकाल लेती हूँ और पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काजू फोड़कर दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट बने हैं, ये ऐसे ही फूट जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कितना क्रिस्पी है ये, अगर हाथ से दबाएंगे तो बिल्कुल खेरे से हो जाते हैं ये। तो देखिए आप कितने अच्छे काजू बने हैं, और मैं इनको अब अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे काजू बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।